पहले मैंने आप लोगों को एक नोट दिए थे कि मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वॉर, तो उसको आगे बढ़ाते हुए हम आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देंगे उसी चैप्टर का। उसमें से सबसे पहले क्या ग्लोबलाइजेशन वाया द सिल्क रूट, उस समय सिल्क रूट यूज़ टू बी वेरी फेमस विच इज स्टिल फेमस टूडे, समझ में आया। देखो द सिल्क रूट वॉज एन इम्पोर्टेंट ट्रेड लिंक बिटवीन द ओरिएंट एंड द फार ईस्ट फ्रॉम अराउंड 200 BC राइट अप टू द 13th century। आप सोचो 1500 साल से ए ग्रेट स्ट्रीम ऑफ कल्चरल एक्सचेंज बेस्ड ऑन सिल्क ट्रेड वॉज कंडक्टेड थ्रू दिस एंशिएंट रूट। देखो व्यापारी जब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे उस समय आना जाना बहुत कठिन हुआ करता था, और जब दूसरी जगह जाते थे वो मोटा मोटी मान लो 10-12 साल के लिए निकल जाते थे घर से, तो साथ में क्या अपना कल्चर, अपना खाना, अपना पीना, अपना परंपरा, अपना तौर तरीका भी ले जाता था। तो इस तरह से जिस देश में जाते थे उस तरह का वहाँ पर घूम मिल जाते थे, और वो जब वापस लौटते थे तो उस देश का वही कल्चर ये सब लेके आते थे। इस तरह से कल्चरल एक्सचेंज होता था। द सिल्क रूट स्ट्रेच्ड नियरली 6,000 किलोमीटर अक्रॉस सेंट्रल एंड साउथ वेस्ट एशिया। सोचो सेंट्रल एंड साउथ वेस्ट एशिया से लिंकिंग चाइना टू इंडिया, वेस्टर्न एशिया एंड द मेडिटेरेनियन। सोचो चाइना से कहाँ तक, इंडिया, वेस्टर्न एशिया और एकदम मेडिटेरेनियन तक, समझ में आया। इसके बाद क्या है, देखो हम आप लोगों को लिखाए थे कि उस समय चाइना इंडिया यूज टू बी वेरी वेल्दी हाँ कंट्रीज एंड पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यूज टू कम टू ट्रेड विद दीज टू कंट्रीज। तो हुआ क्या, ड्यूरिंग मंगोल रूल मंगोलिया तो मंगोल क्या हुआ, जब चाइना में राज करते थे मंगोल का राजा, मेनी चाइनीज इन्वेंशंस उस समय चाइना में बहुत सारे चीज हाँ इन्वेंट हुआ था, जैसे गन पाउडर, प्रिंटिंग, सिल्क कल्चर, प्लेइंग कार्ड्स, ब्लास्ट फर्नेस टेक्नोलॉजी एंड पेपर मनी, और ये सारे चीज क्या है यूरोपियन ट्रेडर्स को प्राप्त थे। ये यूरोपियन ट्रेडर्स को ले लेके आप प्रचार करते कहा यूरोप, समझ में आया। तो इस तरह से द सिल्क रूट प्लेड ए वाइटल रोल इन दिस कल्चरल ट्रांसफॉर्म। इसके ऊपर क्या बुद्धिस्ट एंड क्रिश्चियन मिशनरीज एंड मुस्लिम प्रीचर्स ट्रैवल ओवर दिस रूट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ एशिया के लोग टू प्रोपेगेट देयर फेथ। ये जो धर्म प्रचार थे मुस्लिम बुद्धिस्ट वो सब अपना प्रचार अपना धर्म का प्रचार करने के लिए इस रास्ते से और देशों ने दिया। इसीलिए देखिएगा आज भी जो चाइना जो है वो बुद्धिस्ट करती है। उसके बाद क्या है जापान वो भी बुद्धिस्ट है, इंडोनेशिया वो मुस्लिम है वहाँ पर बुद्धिस्ट भी है हिंदू भी है, समझ में आया। श्रीलंका इस बुद्धिस्ट करते तो ये सब जो हुआ था ये सिल्क रूट के चलते, समझ में आया। तो इस तरह से इनफैक्ट कल्चरल एंड ट्रेड रिलेशन शो द सीड्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। ये जो सांस्कृतिक एंड व्यावसायिक हाँ व्यापारी सांस्कृतिक और व्यापारी जो लेन देन हुआ इस तरह से मील रखा आधुनिक दुनिया का, ठीक है, एंड इम्पैक्टेड द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और इसके चलते ये ग्लोबलाइजेशन जो है ये धीरे धीरे हाँ पूरा काम हो गया, ठीक है। तो इसमें फूड प्रोडक्ट्स ऑफ एज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलेशन, ये जो आज भी हम लोग देखते हो जैसे मैगी हाँ उसको मॉड्यूल चाइनीज डिश
स्पैगेटी पिज्जा ये सब क्या है, जो बाहर के खाना तो हिंदुस्तान का खाना हो गया है, समझ में। तो इस तरह से सिल्क रूट हैज इम्पैक्टेड ए वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन केस दिस मॉडर्न वर्ल्ड, समझ में। और इन द मेकिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन ये क्वेश्चन आ सकता है, ये आपको लिखेगा, हाँ आराम से लिखेगा, जो अभी मैंने समझाया उस हिसाब से किताब मिलेगा, किताब में समझाया उस हिसाब से आपको लिखेगा। आप देखिए कन्वर्जन हुआ, कन्वर्जन मतलब दुनिया जैसे सब एक हो गया है ना, जैसे ये टीवी, टीवी से क्या हुआ, द वर्ल्ड इज इन माई ड्राइंग है ना, ये कौन वर्किंग पॉइंट पर। इस तरह से ये जो चीज धीरे धीरे बनता है कैसे, ये हुआ था 1400 से शुरू होते हुए 1800 तक, ये जो है एडी इसमें ही इस तरह की कन्वर्जन वर्ड का कारनामा शुरू हुआ था। इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, समझाते हैं, समझिएगा और आपको खूब नोट बनाएंगे। दिस एरा सॉ एन एनॉर्मस एक्सटेंशन ऑफ नेटवर्क्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड एक्सचेंज दैट लिंक इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज मोर एंड मोर कनेक्टेड। ये एरा मतलब, एरा मतलब वो युग, उस युग में क्या हुआ जो नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन हाँ ये बहुत तगड़ा हुआ, हाँ संपर्क साधन करने का माध्यम बहुत तगड़ा हुआ, लोगों के बीच में बहुत अच्छा संपर्क भी होने लगा, अलग अलग जो कल्चर का लोगों के बीच। तो दिस एरा सॉ स्ट्राइकिंग एक्सचेंजेस इन हिंदा हिस्ट्री, इसमें फाइव की ट्रांसफॉर्मेशन, इस जून में पांच मुख्य तरीका का बदलाव आया, क्या क्या वो मैं आपको तो बता रहा हूँ। The most important development was the increase in the complexity of human society. पहले इंसान का समाज जो था बहुत ज़्यादा सा था, उसमें थोड़ा जैसे जैसे कुछ हाँ एक्सचेंज होते गया, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी यानी जटिलता बढ़ा, ठीक है, एंड ऑफ द नेटवर्क ठीक है, और ये जो नेटवर्क जे जे लोग हाँ उन लोगों की जुड़ता था ये भी थोड़ा सा जटिल होते गया। दूसरा क्या हुआ, द सेकेंड मेजर डेवलपमेंट फॉर द एक्सचेंज ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिटवीन अफ्रीका एशिया एंड अमेरिका। इट फॉलोड द सक्सेस ऑफ यूरोपियन सी क्या पेंसिल लिंकिंग तक तो नहीं सकता। अब देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कैसे इम्पोर्टेंट है, ये सारे जो जानवर को फिर बीमारी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके जरिए यूरोपियन लोग खास करके वो लोग ये दोनों हेमिस्फीयर ईस्टर्न हेमिस्फीयर वेस्टर्न हेमिस्फीयर दोनों जगह में उन लोग बना चुके। जैसे आप लोग पढ़ चुके हो जूनियर क्लास में जो न्यू वर्ल्ड देखा था, न्यू वर्ल्ड मतलब क्या अमेरिका, उसके बाद जो है अफ्रीका का कुछ कुछ हिस्सा जो मैंने पोस्टर कंट्री का कुछ कुछ हिस्सा में यूरोपियन कुछ देश अपना कब्जा बनाया रखा था, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा अपने बारे में लोगों को पता नहीं था, लेकिन इतना पता था कि वहाँ पर कुछ है ऐसा थी जिसमें यूरोपियन लोगों को ना बहुत फायदा होगा, लेकिन लोग फायदा के लिए सब जाना चाहता था। अभी ये लोग हाँ हिंदुस्तान में आया, हिंदुस्तान पर कब्जा किया, फिर ये जो चाइना पर कब्जा किया, हाँ जापान पर कब्जा किया, हाँ फिलीपींस पर कब्जा किया, इंडोनेशिया पर कब्जा किया, इस तरह से क्या है जो हिस्ट्रॉन का जो ओरिएंटल कल्चर था या फारिस्ट कल्चर था, इस कल्चर ने खूब बड़ा युद्ध प्रभावित किया, रिप्रेस किया। इस बारे में मैं आप लोगों को और बताऊँगा क्या हिंदा फेस्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, ये है नंबर टू पॉइंट। नंबर थ्री,
The third thing was the emergence of a fully global economy. सही महीने में ग्लोबल इकोनॉमी उभर के आया विच लिंक टूगेदर ऑल मेजर रीजन्स एक्सेप्ट अंटार्कटिका. ये जो पोलर रीजन छोड़कर सब इलाके को एक साथ जोड़ दिया. हाँ, इसमें जैसे सिल्वर वाज द ग्रेट लुब्रिकेटर ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी. सिल्वर के जो जरिए क्या होता था, ये दफा होता था सिल्वर के जरिए. इन द 1550s सिल्वर माइनिंग अमेरिका बिकेम अवेलेबल टू स्पेन. अमेरिका में जो सिल्वर माइनिंग होता था ये स्पेनिश माइनर को दिया, फिर स्पेनियर ग्रंथ को दिया, तो ये वेस्टर्न यूरोप में पहुँचा. एडेड टू दिस वन द फ्रंट ऑफ कोरिया में मादर के देशों में उसके ऊपर यूरोपियन देश जो दूसरे देशों में कब्जा किया था उसमें से वो लोग बहुत सारे धन संपत्ति वेल्थ ये सब देश में पहुँचा. एज सीन अर्लियर इन हिस्ट्री migrated gold and silver financed Europe, increasing involvement in the world market. ये दरियाई जो लोग प्रसिद्ध लोग थे, व्यापारी लोग दरिया से मनिका बाजार से वो लोग क्या व्यापार करते थे, दरियाई जहाज से आर क्या करते थे, साथ में वो लोग जो क्या वो टापू गिरी भी करते थे. इससे उन लोग बहुत सारे था जहाज को कब्जा किया, सब लोग धन संपत्ति अपने कब्जा में कर दिया. तो आप जाकर अपने देश में हम लोग शामिल किया. तो इस तरह से बाई 1800 वर्ल्ड इकोनॉमी और सीटिंग टू ऑफ अटलांटिक का देश है. तो 1800 तक क्या हो गया, ये जो पहले दफा जो हुआ करता था हिंदुस्तान चाइना यहाँ पे बेंगलिन था, ये धीरे धीरे मोड़ गया. इसके बाद क्या हुआ, चौथा पॉइंट द रिमार्कल राइजिंग ऑफ यूरोपियन पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर. यूरोप में राजनीतिक और मिलिट्री ताकत को आगे बढ़ गया. हाँ, आज ये क्या है, इसका नतीजा द डिफ्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल इनोवेशन वेस्टर्न यूरोप दैट ओरिजिनेटेड इन यूरोप. देखो कहीं पे हुआ, हाँ, कोई जो आंदोलन या कोई नया हो उसका असर जाकर आपकी में यूरोप के पास वेस्टर्न यूरोप की रेस्पॉन्सिबल चैलेंज पार्शियल इन मनी वे जो है सबसे बड़ी बात है. यूरोप के जो लोग है वहाँ पे कान पाउडर यूरोप, देखो कहाँ से लाया था, चाइना से. चाइना से कान पाउडर यूरोप क्या किया, अपने इस्तेमाल करने लगा. और इस तरह से क्या किया, पूरा दुनिया भर में अपना कब्जा कर लिया. इसके बाद क्या पांचवा, द फिफ्थ ग्रेट चेंज इन वेस्टर्न यूरोप का साइंटिफिक अप्रोच. जब बार बार आप लोग घूमते आए, आप लोग को नोट में भी लिखा है, जो वैज्ञानिक जो क्रांति आए एनलाइटमेंट लोगों में जागरूक हुआ डिफ्यूशन देखो हरे वो लोग सोचता था कि इस तरह की जब इन्वाइटेड हो गया जागरूकता हुआ, लोग सोचता था जो उन लोगों को बाकी दुनिया का लोगों को जागरूक करने का काम वही लोग का है. तो ये काम के नाम पे ये लोग उस देश को कब्जा करके उसका नाम देश का धन संपत्ति अपने कब्जा में कर लेना रहा था, ये किया. तो दीज इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल मूवमेंट हेल्प टू एस्टैब्लिश रैशनल साइंस एंड द स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग एंड एक्सप्लेन द नेचुरल वर्ल्ड. तो इस तरह से ये जो वैज्ञानिक सोच इसे एक सही ढंग से विचारधारा आगे बढ़ा, समझा, जिसमें लॉजिक समझदारी और कैसे पढ़े, पढ़ने के लिए केवल लड़ाई ही एक ही उपाय ऐसा नहीं था. लोग का सोच, बिजनेस करने का सोच, ये भी बहुत आगे बढ़ते गए. तो इसी तरह लोग बहुत आगे बढ़ते गया और हमारे घर का जो अब धीरे धीरे पीछे समझ में आया.
हम बोलना था डिजीज का पार्ट माइक्रो जैसे रिंडा रिंडा टेस्ट एक किस्म का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किसमें है वो गाय भैंस को मवेशी को मारता है। अब क्या तो हम अफ्रीका का बात अपने अफ्रीका में क्या हुआ था, ये जो तटीय इलाके में कुछ हिस्सा में यूरोपियन पावर अपने कब्जा में कर दिया था, लेकिन उन लोगों को पता था जो और सारे यहाँ पे बहुत अलग था खनिज इसको क्या कब्जा करने से और अमीरी बढ़ सकता है, तो ये कब्जा करने के लिए वो लोग लड़ाई तो नहीं कर सकते क्योंकि ये लोग अफ्रीका के जो लोग थे ये थोड़ा हाँ क्या बोलता है अपने में माहिर कर रहा है। एक दूसरा भाई काम करने के लिए तो लेबर चाहिए, ये मजदूर चाहिए, ये मजदूर को तो ये यूरोप से नहीं ला सकता, आप मजदूरी करवाना है तो ये अफ्रीकन लोगों से। और ये अफ्रीकन लोग मजदूरी करने से इनकार करता है क्योंकि उन लोगों के पास बहुत मवेशी रहता है, बहुत मवेशी आप उसी से लोगों को मिलता था उससे इसीलिए लोग मजदूरी करने से सीधा इनकार करते। अब हुआ क्या जो कुछ कारण के चलते ये जो है ये लीडर पे ये इसमें अफ्रीका में पहुंचा, ये शायद जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इटालियन या कुछ जो यूरोपियन कंट्री का जो उद्योग को खिलाने के लिए था कुछ गाय लाया गया यूरोप से, तो यूरोप से लाया गया था तो उसमें ये रिंगा पेस और ये फैल गया और ये जो फैल गया इतना भयंकर कठिमारी बन गया जो पूरा अफ्रीका में 90% जो मवेशी था वो मर गए, बाकी जो 10% था वो 10% ये जो यूरोपियन लोग ये जो है अफ्रीका लोग मजबूर हो गया था लेबर करने की मजदूरी करने के लिए। अब देखो ये बीमारी से कैसे बीमारी को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से ये पूरा अफ्रीका में कर जाता है, तो ये चीज़ आपको पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए कहानी जरा पढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच।